नमस्कार दोस्तों, आज साइंस की वजह से ब्रेन सर्जरी से लेकर होट रिप्लेसमेंट तक सब कुछ संभव है। आज वैज्ञानिकों ने इतनी तरक्की कर ली है कि वह खुद भी कई ऐसे जानवरों को जन्म दे सकते हैं जिसका अस्तित्व दुनिया में है भी नहीं। और शायद आपको यकीन ना हो कि वैज्ञानिक ऐसे जानवरों का इजाद कर चुके हैं जिनके बारे में जानकर आप शायद हैरान हो जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। पांचवें नंबर पर है लाइगर। शेर और मादा बाघ के डीएनए से तैयार किया गया ये जो दुनिया में बिल्लियों के प्रजातियों में सबसे बड़ी प्रजाति है, जिनका वजन 400 किलो तक हो सकता है। इस प्रजाति के सबसे बड़े बिल्ली का नाम हरकुलिस है। लाइगर नाम की इस प्रजाति को संरक्षण में रखा गया है क्योंकि इन्हें बनाने वाले साइंटिस्ट का कहना है कि बिल्लियों की प्रजाति में यह सबसे स्ट्रॉन्ग, आक्रामक और तेज है, जिस वजह से इसे संरक्षण के बाहर रखना जंगली जानवरों के लिए खतरनाक हो सकता है। चौथे नंबर पर है कामा। कामा एक ऐसा हाइब्रिड जानवर है जिसे ऊंट और लामा के डीएनए से तैयार किया गया है। हालांकि लामा और ऊंट आकार में बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन इन दोनों जानवरों के डीएनए से तैयार किया गया यह जानवर वाकई बेहद दिलचस्प है। इस हाइब्रिड प्रजाति को सबसे पहले 14 जनवरी 1998 में दुबई में तैयार किया गया था। इसका मूल मकसद कामा की ऐसी प्रजाति को विकसित करना था जिसे और भी अधिक मात्रा में ऊंट प्राप्त किया जा सके। तीसरे नंबर पर है जैग लायन। यह प्रजाति नर तेंदुआ और मादा शेर के मिश्रण से बनाई गई है जो कि देखने में बहुत ही खास है। देखने में यह जीव जितना सुंदर और अद्भुत है, फितरत में यह उतना ही आक्रामक और तेज रफ्तार का है। कनाडा के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के संरक्षण में बनाए गए इस जीव के प्रजाति की कुल जनसंख्या फिलहाल 2 ही है। दूसरे नंबर पर है डीजो। वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई हाइब्रिड जानवरों की इस प्रजाति में यह एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो बहुत ही ज्यादा संख्या में पाई जाती है और इसका नाम डीजो है, जिसे एक विशेष दूध देने वाली गाय और याक के मेल से सबसे पहले साइंस लैब में बनाया गया था। इस प्रजाति की विशेषता यह है कि यह बेहद ही अधिक मात्रा में दूध देती है और इनके विशाल गाय आकार के कारण इनमें अधिक मात्रा में मांस भी प्राप्त हो जाता है। पहले नंबर पर है जॉनकी। जॉनकी नाम की यह प्रजाति गधे और जावरा का मिश्रण रूप है जिसे साइंस लैब में तैयार किया गया था, क्योंकि प्राकृतिक रूप से यह दोनों प्रजातियां एक दूसरे के साथ मेटिंग नहीं कर सकते। साइंस और वैज्ञानिकों की कई ऐसी प्रजातियों को जन्म देने की होड़ लगी हुई है जो ऐसे ही बहुत ही सुंदर और खतरनाक प्रजातियों को जन्म देती है जिनके बारे में कल्पना करना भी बहुत ही मुश्किल है।